अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीहा मलिक एंड वेलकम टू माय व्लॉग। अभी मैं उठी हूँ, रात को मैं अपने घर में थी, तो अभी जल्दी जल्दी से करते हैं काम। मैंने वीडियो एडिट की है तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया। टाइम हो रहा है 11:30, बस मेरे पास आधा घंटा जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने को, और वैन आने वाली है, और आज है मेरा रोज़ा, तो बस जल्दी से तैयार होते हैं। और आप सब ने इबादत की और रोज़ा रखा, सब मुझे नीचे यस यस लिखें। मैं डेली अपना बैग क्लीन करती हूँ, और जिस दिन मैं अपना बैग क्लीन ना करूँ, वैसे आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, तो आई थिंक मुझे बहुत अनकंफर्टेबल और अनटाइडी फील होगा, इसलिए मैं डेली अपना बैग मैंने सोचा बैग बना लिया है, पहले कर लेते हैं फेस वॉश, फिर कर लेंगे कपड़े प्रेस। तो मैंने हाथ मुंह धो लिया था, अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी सईद गनी की ग्लिसरीन रोज वाटर, अच्छे से इसको स्प्रे कर लूंगी। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी सईद गनी की नीम जेल अपने फेस पे। ये सारी चीज़ें एक साथ ही फेस के अंदर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाती हैं। इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे। नीम जेल से ये होता है कि मैं जब मेकअप करती हूँ उससे फेस पे एक्नी वगैरह नहीं निकलती, और मेरे पुराने जो एक्नी के मार्क्स थे, जो हमने इतना इलाज करवाया था डॉक्टर से, कितने कितने पैसे भरे थे, तो नहीं गए थे, और इससे जो है वो चले गए हैं विद इन 2-3 मंथ्स, तो ये बहुत अच्छी है। और इसको अपनी नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ विंसी का वाइटामिन सी सीरम। इसको हमने थोड़ा सा लेना है अपने फोरहेड पे, इस तरह से अच्छे से इसको मसाज कर लेंगे, चीक्स पे लगा देंगे, ताकि इन सब चीज़ों के साथ ये भी आपकी स्किन के अंदर जो है वो चला जाए। और यहाँ पे मैंने कपड़े कर लिए थे प्रेस, और ये बर्तन वाले पता नहीं किस चीज़ के वाले बीच में आ जाते हैं। अब जब ये हर चीज़ फेस पे ड्राई हो, लगाऊंगी ग्लिसरीन क्रीम, और ये भी सईद गनी की ही है। ये ग्लिसरीन क्रीम मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। मैं सारे प्रोडक्ट जो है वो सईद गनी के ही यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी स्किन पे एक तो नेचुरल प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ, स्किन ख़राब नहीं हो रही, और दूसरा मुझे कोई वो नहीं हो रहा है कि मैं कोई केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। मैंने ये अपनी जो है वो सनब्लॉक चेंज की है, क्योंकि वो वाली ख़त्म हो गई थी और वो आ भी नहीं रही अब मार्केट में रिवाज की, तो मैं ये ले आई हूँ सईद गनी की। अब मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती, और जो है इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मुझे तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा बैक साइड में। मैं अपने हैंड्स पे जो लोशन लगाती हूँ वो है सईद गनी का विटामिन सी लोशन, और इसको मैं पूरे अपने हैंड्स पे लगाती हूँ। मुझे ड्राइनेस है तो मुझे लोशन लगाना अपने हैंड्स और फीट पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसमें मैं वैसलीन अप्लाई कर लूँगी, जो ऑर्गेनिक का टिंट लगा लूँगी। जो ये मैंने हाथों और फेस पे लगाई थी, अपने फीट पे अप्लाई करके सॉक्स पहन। तो वैन अभी तक आई नहीं है, तो मैंने कहा मैं फाउंडेशन ही अप्लाई कर लेती हूँ, तो मैं कर रही हूँ थोड़ी सी फोरहेड पे अप्लाई, और अपने आईज के अंडर अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा फेस पाउडर, और मैं अपने आईज पे अप्लाई कर लूँगी आईब्रोज पे सा ब्लश। अभी आ गई है मेरी वैन, और मैं जा रही हूँ वैन में। मैं भूल गई थी कि भूत तो मैं बनी नहीं। और आज मौसम इतना अच्छा था कि मतलब इतनी धूप लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, कि मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितना प्यारा। मैं ड्रॉप हो गई हूँ, अब मैं रेडी होके जाऊंगी फ्लोर पे। मेकअप वगैरह तो घर से मैंने कर लिया था, तो मैंने सिर्फ बाल बनाने थे, वो बना लिए थे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने कर लिया है मेकअप, लिपस्टिक वगैरह लगा ली है, और जा रही हूँ फ्लोर पे। रोजा रख के हम सब के हो गए दिमाग खराब। आज मंगवाया है ये सब कुछ, तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारा रोज़ा कबूल हो। क्यूट मटके में हमारा खाना है, और बहुत छोटा मटका है। तो मेरी अभी तक वैन नहीं आई है, और अभी मुझे पता चला है कि वैन के लिए मुझे उस रोड पे जाना है, तो बस मैं खैर से पहुँच जाऊँगी।
मैं आ गई थी घर, मैंने सेल सेंड कर ली थी। मैं सोच रही हूँ कि सुबह मैं बनाऊँ फ्रूट चाट, तो अभी जाके लेके आती हूँ। फिर इबादत भी करनी है, चाय भी बनाऊँगी क्योंकि सर में बहुत पेन हो रहा है। अभी जा रही हूँ पानी भरने और चीज़ें लेनी थी वो लेना। मैं अभी ये ले आई हूँ क्रीम और फ्रूट वगैरह मैंने लिए हैं, ये सब चीज़ें। अभी इनकी मैं मज़े मज़े की बनाऊँगी चाट। वज़ू मैंने कर लिया है तो अब मैं पढ़ूँगी नमाज़। मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी और आप सबके लिए दुआ कर ली थी। इबादत की रात होती है तो इसमें जितनी नफिल पढ़े उतने। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अच्छे से अपने जहां मैं सोती हूं वो जगह क्लीन कर ली थी और बिस्तर बिछा लिया था, और उसके बाद मैंने फ्रूट चाट बनाने की तैयारी कर ली। अच्छे से मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, पहले बर्तन जो रखे हुए थे। फिर मैंने चाय बना रही थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। चलें जी फ्रूट चाट बनाते हैं। पहले आपने लेना है ऑलपर्स का दूध। ऑलपर्स का दूध आपने इतना लेना है जिसमें 6 चम्मच चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, कुछ इस तरह से। और आप देखें मैंने दूध कितना कम लिया है, जिस बस आपने अंदाजन देखना है कि जिसमें 6 चम्मच चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाए, और इतना दूध देना है। ज़्यादा दूध आप लोगों ने नहीं लेना। फिर अच्छे से मैं चीनी और इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी मिल्क पैक क्रीम। मिल्क पैक क्रीम के मैंने 2 लिए थे डब्बे, और वो अच्छे से मिक्स कर लिए थे। मिक्स इस तरह से करना है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कि उसमें कोई भी दाना या कोई भी बबल ना हो, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो, इतना आपने इसको मिक्स करना है। फिर आपने इसमें अपने मनपसंद फ्रूट ऐड कर लेने। मैं बाहर गई थी तो मुझे इतने फ्रूट नहीं मिले, मुझे जो मिले वो मैं ले आई अमरूद, सेब और केले। तो ये सारे मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, हर चीज़ वॉश करके तरीके से काट के छोटी छोटी इसमें डाल लूँगी। आप लोग इसमें जो है वो टिन के फ्रूट्स भी लेके पाइनएप्पल वगैरह भी डाल सकते हैं, जेली डाल सकते हैं, चेरी डाल सकते हैं। मुझे कुछ मिला नहीं, सब बंद था, तो मैं ये लेके आ गई और मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर अच्छे से इसका ढक्कन धो के इसको बंद करके मैंने चाय पी ली थी, और घर में सो रहे थे अब्बू भाई, तो मुझे भी नींद आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी सो जाऊँ। फिर अब्बू ने मुझे सुबह सहरी के वक्त उठाया 4 बजे, मेरा आप मुँह देखे, मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं दुनिया में आ चुकी हूँ, चलें काम शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने जो है वो अंडा और पराठा बना लिया था, अब्बू को भी बना के दिया था, चाय बना ली थी, और बस चाय वगैरह। फिर मैंने कहा जो मैंने फ्रूट बनाया है वो भी खा लूँ, साथ साथ मैंने वो भी खा लिए थे। और ये अब्बू का नाश्ता है, ये मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। नाश्ता जब तक मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ मुझसे नहीं किया जाता। फिर मैंने यहाँ पे बना ली थी लस्सी, और ताकि सारा दिन ठंडक रहे क्योंकि कल भी गर्मी बहुत थी। और ये अब्बू लाए हैं कोई मशीन, तो इससे लस्सी आराम से बन जाती है, कोई आपको ग्राइंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन नहीं है, बस आपने हाथों से लस्सी बनानी होती है। चीनी डाल के अच्छे से डिसॉल्व कर ली थी। उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, फिर इबादत कर रही थी, फजर की नमाज अदा कर ली थी। इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं एंड। आप सबका शुक्रिया, आप मेरा व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब भी मुझे अपनी इबादत में याद रखिएगा। मेरे अम्मी अब्बू को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, दुनिया भर की खुशियाँ दे, आमीन।